अक्सर हम अपने बालों में हेयर को स्टाइल करने के लिए, वॉल्यूमाइज करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। कितना अच्छा हो ना ये सब चीज़ें एक ही में मिल जाए, यानी कि एक ही प्रोडक्ट में मिल जाए, जिससे हमें अलग अलग प्रोडक्ट ना खरीदने पड़े। मैं यूज़ करती हूँ अगारो का ये वाला 3 in प्रोडक्ट। इसकी डिटेलिंग मैं बताऊँगी आपको और साथ में यूज़ भी करके दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने सॉफ्ट और शाइनी हैं, जिसका रीज़न यही है क्योंकि मैं मोस्टली अपने बालों को इसी से ड्राई करती हूँ, इसी से स्टाइल करती हूँ और इसी से वॉल्यूमाइज करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ पहले इसके बारे में और फिर इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। अगैरो का वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर मॉडल HV2179 देता है आपको 3 heat and 2 speed सेटिंग। इसमें है कैरामेटिक ट्यूमराइन कोटिंग ब्रश हेड, साथ में चारकोल एक्टिव ब्रशेस। ये है 20-fold गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस फॉर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आपके बालों को किसी भी तरीके का कोई भी हार्श नहीं होता, यानी बालों में कोई भी खराबी नहीं आती। ये एंटी स्पेलिंग टिप से बना हुआ है। इसकी जो टिप है यानी कि ब्रशेस की जो टिप्स है वो आपके स्कैल्प को हार्म नहीं पहुँचाती। इसके अंदर है लोनिक टेक्नोलॉजी जो कि आपके फ्रीजी हेयर को रिड्यूस करती है, यानी फ्रीजी हेयर्स को वॉल्यूम देती है। साथ में इसका जो केबल है वो 3 degree centigrade पर घूम जाता है, जिससे ये कभी भी खराब होता या टूटता नहीं है। अगर बात करें इसके लुक की तो लुक भी इसका काफ़ी ज़्यादा डैशिंग आता है। आप इसको नॉर्मल हेयर ब्रश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कहीं जाना होता है, स्टाइलिंग करनी होती है या फिर अपने हेयर को वॉल्यूम देनी होती है, तो मैं सिंपली इसका काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जो सेटिंग है उनको आप नीचे के जो गोल वाला है पार्ट है इससे सेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको यूज़ करके कि मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। फर्स्ट आते हैं कि अगर आपको इसको हेयर ड्रायर करना हो, सिंपली आप कॉम करने के तरीके से इसको हेयर ड्रायर कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी तरीके से जैसे बाल आपने गीले किए हैं और काफ़ी टाइम तक गीले रहने की प्रॉब्लम है, आप हीट यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको सिंपली अपने बालों को इस तरीके से कॉम करते हुए इसको हीट करना है, यानी कि कहें कि बालों को कॉम करते हुए इसका यूज़ करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सेकंड आते हैं कि अगर आपको भी फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से वॉल्यूम दे सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जिन हेयर को आपको पार्टीशन करना है, जिनको वॉल्यूम देना है, उनको इस तरीके से पार्ट कर ले। मैंने इसको ऊपर की तरफ सेट किया है और ऊपर की तरफ सेट करने के बाद में हल्का हल्का जैसे आप कॉम करते हैं उसी तरीके से आपको इसको नीचे की तरफ खींचना है और आप देख सकते हैं कि आपके बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगी। तो सिंपली मैं इनका इस तरीके से यूज़ करती हूँ। अगर आपको अपने बाल सेट करने हैं, कहीं जाना है अचानक से और आपको नॉर्मली अपने बालों को सेट करना है कि बाल अच्छे भी लगे और आपको कुछ गलत चीज़ें यूज़ भी ना करनी पड़े, तो मैं इस तरीके से अपने बालों को सेट कर लेती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से हल्की शाइनिंग के साथ में सेट हो जाते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट के लिए आप देखिएगा कि फाइनल रिज़ल्ट कैसा आया है। पूरे हेयर को मैंने अपने ब्रशेस कर ली है इसके हेल्प से, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि नॉर्मल कॉम की तरह कैसे इसको यूज़ करना पड़ता है, अलग से कुछ इसको यूज़ करने का कोई भी तरीका नहीं है। बात करते हैं इसके सेटिंग की, तो नीचे इस तरीके से इसका एक छोटा सा इस गोल घुमाने वाला सेटिंग और हीट बटन दिया गया है, जिससे आप 1-2-3 अलग अलग हीट और सेटिंग कर सकते हैं। इसके ब्रशेस भी आपको किसी भी तरीके के नुकसान नहीं देंगे या आपकी स्कैल्प पर किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाएंगे, तो है ना यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।